नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दिस इज डॉक्टर सी ए मनोज कुमार गुप्ता, योर फ्रेंड, योर वेस्ट विशर, ऑलवेज हेल्पिंग हैंड टू गेट योर डिग्री दैट इज सी ए। एंड फ्रेंड्स, विश यू वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी ऑल ऑफ यू। एंड आई प्रे टू गॉड गणपति दैट दे विश दे कम्प्लीट योर ऑल विशेस एंड द मेन विश दैट इज सी ए इस बार आपको पक्का दे दें, ऐसा मैं भगवान गणेश जी से प्रार्थना करूँगा। फ्रेंड्स, टुडे टिप नंबर 10। ये टिप मैंने बनाया है हाउ टू कंसंट्रेट, हाउ टू फोकस ऑन स्टडी। फ्रेंड्स, अभी ये बहुत कॉमन मिस्टेक आ रही है, या आप बोल सकते हो कॉमन लोगों के प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि सर पढ़ाई में ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है। कैसे फोकस ज़्यादा बढ़ाया जाए जिससे इफेक्टिव टाइम यूटिलाइजेशन हो, क्योंकि आज फ्रेंड्स स्टूडेंट पढ़ाई बहुत अच्छे करने की कोशिश कर रहा है, उसके पास टाइम भी है। और जिन लोगों ने अभी बीच में एग्जाम कैंसिल हो गए उस वजह से वापस ऑफिस ज्वाइन कर लिया, तो उन लोगों ने अभी भी मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों ने छुट्टी ले ली है, तो अब दे आर 100% फॉर स्टडी, बट स्टिल जो आउटपुट है वो उतना नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टिप है वो इसी पर रखा है कि कैसे अपने कंसंट्रेट पावर को, अपने फोकस को बढ़ाया जाए, कैसे इफेक्टिव आउटपुट लाया जाए। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको दो बातों पे मेनली ध्यान देना है। सबसे पहला तो अपने माइंड को ये बता दीजिए कि भाई देख, अब तेरे को ये सिस्टम जो है कि फोकस कर, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये कोई मोटिवेशन की बात नहीं होनी चाहिए, आपको खुद को ही सेल्फ मोटिवेट होना है कि आपको पता होना चाहिए कि ये लाइफ का आपका ऐसा मोड़ है, स्पेशली सीए फाइनल बच्चों को जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका पूरा करियर इस पर डिपेंड करता है। तो आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना है, ये पहला फोकस आपको करना है, जिससे क्या हो कि जब भी पढ़ाई में मन ना लगे अपने आप से बोलो, अरे क्या कर रहा है भाई तू, आपको पता है ना अभी आपका 2.5 मंथ ही बचे हैं, ऐसा अपने आप को बोलो, तो वो आपको एक इनर से सेटिस्फैक्शन देगा, इनर से पावर देगा, बोलेगा नहीं भाई, आई हैव टू फोकस, आई हैव टू कंसंट्रेट। एक ये आप पर डिपेंड कर दी। दूसरा जो मनोज का एफआर है वो आपको हेल्प करेगा। दूसरा है फ्रेंड्स राइटिंग सिस्टम। फोकस करने का सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि आज मैं आपको बताऊं, बेटा आप इतना ऐसा कोई शेड्यूल बना लीजिए या ऐसा कुछ पर्टिकुलर काम करिए, उसके बजाय आप ऐसा काम कर लीजिए कि आपका फोकस कहीं जाएगा ही नहीं, वो है राइटिंग सिस्टम। माने आप जब भी स्टडी कर रहे हो, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, यूज नोटबुक एंड पेन एंड राइट। जो भी स्टडी की जा रही है उसको राइट करना है। अगर आपका एक बार सिलेबस हो चुका है, जैसे मैं बताता हूँ कि फर्स्ट टाइम जो सिलेबस होता है वो आपका मेन है, उस टाइम सब कुछ कवर कर लेना है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है और सबके नोट्स बना लेने। अगर आपका वो नहीं हुआ है तो पहले प्लीज कंप्लीट इट, जिससे हर सब्जेक्ट का एक एक नोटबुक बनके रेडी हो जाए और आप बोलो कि बस ये नोटबुक मेरे को देखनी है एग्जाम टाइम पे या जब भी मैं रिविजन करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। तो आप वो नोटबुक अगर नहीं बनाए हो तो प्लीज बना लीजिए। मैं आगे बात कर रहा हूं कि वो नोटबुक जो बना चुके हैं, क्योंकि आज क्या है आपका ऑलरेडी एक एग्जाम कैंसिल हो चुका है, काफी सारे बच्चों के पास जो टाइम था उसके हिसाब से उन्होंने मनोज का एफआर जो सिस्टम है दैट इज कंपलसरी नोट्स बनाने होते हैं, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो मैं मानता ही नहीं हूँ स्टडी करते हैं। इसलिए स्टडी करने का मतलब आपने प्रॉपर अपने नोट्स एक रेडी करके रखे हैं, जिनको आप कभी भी रिवाइज करना चाहो तब यूज करोगे। तो अगर वो नोट्स नहीं बनाए तो पहले आप बना लीजिए। अगर नोट्स बना चुके हो और अब आपको रिविजन करना है तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी रिविजन करते टाइम अगर आपका फोकस नहीं हुआ तो क्या करो, एक रफ नोटबुक ले लो, पेन ले लो, और जो भी आपके माइंड में आ रहा है कि आपकी फेयर नोटबुक के अंदर ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिर से लिख लीजिए एक बार, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जिससे आपको याद रहेगा कि आपको याद है कि नहीं। प्लस आपका जो फोकस कहीं चला जाता है, जैसे कई बार बच्चों के साथ होता है कि हम यहाँ बुक में बैठे हुए हैं और अचानक से हमारे माइंड में पता नहीं क्या चालू हो जाता है, कभी कुछ टेंशन चालू हो जाती है, कभी कुछ दूसरे ख्याल आ जाते हैं, कभी आ जाता है यार भगवान कितना परेशान करेगा हमारे लिए। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, सीए का एग्जाम है, इस एग्जाम ने बच्चों को इतना परेशान कर दिया है, कई बच्चे इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, आई नो वेरी वेल, क्योंकि मैं आरबीजी जो राजस्थान विद्यार्थी गृह स्टूडेंट हॉस्टल है मुंबई का, वहाँ पर भी रहा हूँ मैं, और मैं बसई में एक जो सीए इंस्टीट्यूट का हॉस्टल है वहाँ पर भी मैं 3 महीने रहा हूँ, तो मेरे को पता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन लोगों को ये डिग्री पाने का एक ऐसी वो अपने आप में ऐसा टेंशन बैठ जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है यार, हम इतने इंटेलिजेंट है फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोगों को जो वो ख्यालात में आप खो जाते हो, उससे बाहर आने के लिए जब आप राइट करोगे तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कुछ और सोच रहे हो और कुछ और राइट करो।
डेफिनेटली आप वही राइट करोगे जो आप सोच रहे हो। इसके लिए आपका कंसंट्रेट ऑटोमेटिक बन जाएगा, और अगर आपके नोट्स अभी तक नहीं बने हैं तो एक नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे। जैसे मैं बोलता हूं मनोज के एफआर बार बार नोट्स बनाओ बेटा, नोट्स बनाओ, तो एक बार बना के देख लो यार। इससे क्या होगा कि वो नोट्स बन गए तो आपको वो चैप्टर पूरा सब्जेक्ट का बन गया, तो वो सब्जेक्ट आपका मास्टर वाला बन जाएगा। उसको लाइफ में कभी भी आपको ऐसा कभी नहीं सकता कि 60 मार्क्स ना आए, एटलीस्ट 60 मार्क्स तो आपको पक्का आएंगे, चाहे थ्योरी हो यानी एग्जामिनेशन तो पक्की हो जाती है। बराबर। सो फ्रेंड्स, कंसंट्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका, एक तो सेल्फ मोटिवेट करो अपने आप को, हमेशा बोलो कि भाई ये क्या है, मैं कैसे फोकस नहीं कर रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है यार, मेरी करियर का क्वेश्चन है, अगर अभी मैंने फोकस नहीं है तो कब करूंगा यार, और कौन सा टाइम है मेरे पास, ये मेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको मैं कैसे खो सकता हूं, ऐसा अपने आप से बोलना है और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है। और दूसरा पार्ट, कंपल्सरी राइटिंग सिस्टम फॉलो करो, जो भी स्टडी कर रहे हो नोट डाउन समथिंग, ओके। एंड फ्रेंड्स, हमेशा एक बात और याद रखो कि अपना एक लाइफ का रूटीन बनाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाली स्टडी करते जा रहे हो, जैसे स्टडी करके कुछ ऐसा ब्रेक लो, ब्रेक भी ऐसा जैसे फुल फ्रेम आप एक ब्रेक में चले गए हो, जैसे अभी कल गणपति जाने वाले हैं, तो उसके लिए आप चाहिए तो 1-2 घंटे 4 घंटे आप उसके लिए निकाल लीजिए कि मैं सबके साथ में, जैसे तो नॉर्मली अभी सोशल डिस्टेंस है उसके हिसाब से आपको ज़्यादा बाहर जाने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपके जो भी आजू बाजू में हैं उनके लिए फुल फोकस के साथ हम कर सकते हैं। माने थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल के एक ऐसा कुछ करो कि वहां पे आपको अपनी पूरी इच्छाएं पूरी हो जाए, माने आप पूरा उसमें एंजॉय कर सको। उस टाइम स्टडी के बारे में सोचना, क्योंकि अगर उस टाइम आप स्टडी के बारे में सोचोगे तो स्टडी करते टाइम पर आपको कुछ दूसरे बारे में सोचना पड़ेगा। सो इसके लिए माइंड की नेचर के हिसाब से उसको एक एक दिन का अगर आपको 2-3 घंटे दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, हफ्ते में 2-3 घंटे उसको निकाल के दे दीजिए अपने आप को, जिससे वो जो इच्छा है उसकी वो पूरी कर ले, या फिर डेली के डेली हाफ एन आवर 1 आवर आप गिव समथिंग व्हाटएवर यू लाइक उसके लिए दीजिए, जिससे आपकी जो इच्छा है माइंड की वो पूरी हो जाएगी, उसको ज़्यादा बर्डन फील नहीं होगा। बराबर। तो फ्रेंड्स, फोकस करना है, उसके लिए सेल्फ मोटिवेट रहना है, राइटिंग सिस्टम फॉलो करना है, और माइंड की थोड़ी सुननी भी है, उसको जो इच्छा है वो 1/2 घंटा 1 घंटा उसको भी देना है। ओके फ्रेंड्स, अगेन विश यू वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा मोरिया, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, बाय बाय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।